हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोरी गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। एंड प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि स्टोरी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम स्टोरी के जो राइटर हैं जेराल्ड डॉरेल, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जेराल्ड डॉरेल का जन्म 1925 में इंडिया के जमशेदपुर में हुआ। When he was a young boy, his family went back to England and later settled on the Greek island of Corfu. Doral जब छोटे ही थे तभी उनकी फैमिली वापस इंग्लैंड चली गई और बाद में वो लोग ग्रीक के एक कोफू आइलैंड पे सेटल हो गए और वहाँ जेराल्ड ने अपना वक्त वाइल्ड लाइफ के बारे में स्टडी करने में स्पेंड किया। इनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं माय फैमिली एंड अदर एनिमल्स, बर्ड्स, बीस्ट्स एंड रिलेटिव्स एंड मैनेजरी मैनर। इनके जो स्टोरीज हैं वो यूजुअली ह्यूमरस है और इनके स्टोरीज में ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी गोरिल्ला इन द गेस्ट रूम। सो आई फ्लू ओवर टू लंदन एयरपोर्ट टू कलेक्ट द गोरिल्ला। गोरिल्ला को लाने के लिए राइटर ने लंदन एयरपोर्ट की उड़ान भरी। माई वन फियर नाउ वॉज दैट व्हेन आई अराइव देयर इट वुड टर्न आउट टू बी अ चिंपांजी आफ्टर ऑल। तो उनका जो सबसे बड़ा डर था अभी का वो ये था कि उन्हें इस बात की टेंशन हो रही थी, इस बात का डर था कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो वो जो गोरिल्ला है वो एक चिंपांजी बन जाएगा। द एनिमल डीलर मेट मी एंड स्कॉटेड मी टू अ रूम इन द एनिमल शेल्टर ऑफ द रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स। स्कॉटेड मीन्स वेंट विथ समवन टू शो देम द वे, मतलब रास्ता दिखाने के लिए किसी के साथ जाना। वहां वो एक एनिमल डीलर से मिले जो उन्हें रॉयल सोसाइटी के एक एनिमल शेल्टर के रूम में लेकर गया जहाँ की एनिमल्स को क्रूल्टी से प्रिवेंशन के लिए रखा गया था। He threw open the door and the first thing I saw was a couple of baby chimpanzees sitting on a table thoughtfully chewing bananas. तो जैसे ही उस एनिमल डीलर ने दरवाजा खोला तब राइटर ने क्या देखा कि कुछ बेबी चिंपांजीज हैं जो कि टेबल पे बैठे हुए हैं और बहुत ही थॉटफुली बहुत ही सोच में बनानास जो है वो चबा रहे हैं। माई हार्ट सैंक एंड आई हैड विजन्स ऑफ हैविंग टू गो बैक होम एम्प्टी हैंडेड। तो ये देखकर राइटर का जो दिल है वो बहुत ही बैठ गया और वो सोचने लगे कि अब मुझे खाली हाथ ही घर जाना होगा क्योंकि उन्हें चिंपांजीज नहीं चाहिए थे, उन्हें गोरिल्ला चाहिए था। बट द डीलर वॉक्ड ओवर टू अ क्रेट इन द कॉर्नर, ओपन्ड द डोर एंड एम्पोंगो वॉक्ड इनटू माय लाइफ। क्रेट मीन्स अ लार्ज वुडन कंटेनर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एनिमल्स, मीन्स लकड़ी का एक बहुत ही बड़ा कंटेनर जिसका यूज किया जाता है एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसे क्रेट कहते हैं। लेकिन जो डीलर है वो एक कॉर्नर की तरफ चलता हुआ गया, वहां पर एक क्रेट रखा हुआ था, उसने उस क्रेट के डोर को खोला और उसके अंदर से एम्पोंगो जो है वो बाहर निकला। He stood about 18 inches high and was the most handsome and healthy looking baby gorilla I had ever seen. तो वो जो बेबी गोरिल्ला था जिसका नाम एम्पोंगो था उसकी जो हाइट थी वो 18 इंचेस थी और राइटर ने अपने लाइफ में अब तक जितने भी बेबी गोरिल्ला देखे थे वो उनमें से सबसे ज्यादा हैंडसम एंड हेल्दी लुकिंग बेबी गोरिल्ला था। He strolled towards me and then held up his arms to be lifted up. तो वो जो एम्पोंगो था वो स्ट्रोल मतलब टहलते हुए राइटर तक आया और उसने अपने आर्म्स जो है वो ऊपर उठाए ताकि राइटर उसे गोद में उठा ले। I was amazed at how heavy he was for his size and I soon realized that this was all solid bone and muscle. तो जैसे ही राइटर ने एम्पोंगो को गोद में उठाया तो वो बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो गए कि एम्पोंगो जो था वो अपनी साइज के हिसाब से बहुत ही ज्यादा हैवी था और फिर राइटर ने रियलाइज किया कि जो हैवीनेस है वो उसके सॉलिड बोन और मसल्स की वजह से है। हिज लाइट चॉकलेट कलर्ड फर वॉज थिक एंड सॉफ्ट एंड द स्किन ऑन हिज हैंड्स फीट एंड फेस वॉज एज सॉफ्ट एंड ग्लॉसी एज शाइनी लेदर। तो उसका जो चॉकलेट कलर का जो फर था वो बहुत ही थिक और सॉफ्ट और उसके हैंड्स फीट और फेस की जो स्किन थी वो भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और ग्लॉसी थी, एक शाइनी लेदर की तरह। His eyes were small and deep set, twinkling like pieces of coal. और उसकी जो आंखें थी वो छोटी सी थी, बहुत ही डीप थी और वो बिल्कुल एक कोल के पीस यानी कि कोयले की पीस की तरह, कोयले के टुकड़े की तरह चमक रही थी। He lay back in my arms and studied me carefully with an unwinking stare. वो वापस उनकी बाहों में लेट गया और बहुत ही ध्यान से बिना पलक झपकाए राइटर को देखता रहा और उन्हें स्टडी करता रहा यानी कि उन्हें समझने की कोशिश करता रहा। एंड दे लिफ्टेड अ फैट एंड जेंटल फोरफिंगर एंड एग्जामिन्ड माय बियर्ड। और उसके बाद उसने अपना मोटा सा और जेंटल सा फोरफिंगर यानी कि इंडेक्स फिंगर उठाया और उससे वो राइटर के बियर्ड को यानी कि उनकी दाढ़ी को एग्जामिन मतलब चेक करने लगा।
I tickled his ribs and he wriggled about in my arms, giggling hoarsely, his eyes shining with amusement. उसके बाद राइटर ने उसके रिब्स में उसे टिकल किया यानी कि गुदगुदी लगाई. Wriggled about means twisted and turned his body, मतलब अपने बॉडी को ट्विस्ट करना, टर्न करना. तो जैसे ही राइटर ने उसे गुदगुदी लगाई, वो अपने बॉडी को ट्विस्ट एंड टर्न करने लगा और बहुत ही हॉर्सली, हॉर्सली मीन्स साउंडिंग रफ, और बहुत ही रफ साउंड में हंसने लगा. और उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल अम्यूजमेंट यानी कि बहुत ही खुशी से चमक रही थी. आई हैंडेड हिम अ बनाना व्हिच ही एक्सेप्टेड विद लिटिल बियर लाइक ग्रोलिंग्स ऑफ प्लेजर एंड एट वेरी डेंटली कम्पेयर टू द चिंपैंजीज हु वर स्टफिंग देयर माउथ्स एज फुल एज दे कुड. उसके बाद उन्होंने उसे एक बनाना दिया जो कि उसने एक भालू की तरह आनंद में गुर्राते हुए एक्सेप्ट कर लिया. डेंटली मीन्स इन अ डेलिकेट एंड अट्रैक्टिव वे, मतलब बहुत ही नाजुक और बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षित तरीके से. वहां पर जो चिंपैंजीज थे वो भी बनाना खा रहे थे, पर उन्होंने अपना मुंह जो है वो पूरा का पूरा केले से भर लिया था. लेकिन उसके कंपैरिजन में इन पोंगो जो है उसने बहुत ही डेलिकेट और अट्रैक्टिव वे में बनाना खाया. देन वी बंडल्ड इन पोंगो ग्रोलिंग प्रोटेस्ट back into the crate and went off to catch the plane to Jersey. उसके बाद उन्होंने इन पोंगो को वापस से क्रेट में डाला और इन पोंगो जो है वो प्रोटेस्ट में गुर्राने लगा और उसके बाद वो लोग जर्सी के लिए विमान पकड़ने के लिए निकल गए. When we landed at the airport, I took in Pongo out of his crate and we drove to the zoo with him sitting on my lap. जब उन लोगों ने एयरपोर्ट पे लैंड किया तब राइटर ने इन पोंगो को उसके क्रेट में से निकाला और उसे अपने लैप पर बिठाया और वो लोग जू के लिए निकल गए. He took a great interest in the cows we passed and occasionally turned around so that he could peer up into my face. तो रास्ते में जितनी भी cows मिल रही थी उसमें इन पोंगो काफी interest दिखा रहा था, वो उन cows को देख रहा था और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो घूम कर राइटर के फेस को भी ताक रहा था. When we arrived, I carried him up to our flat for his cage was not quite ready and I had decided that he would have to spend a couple of days in our guest room. जब वो लोग पहुंचे तब राइटर उसे अपने फ्लैट तक ले गए क्योंकि उसका जो केज था वो रेडी नहीं था. इसलिए राइटर ने ये डिसाइड किया था कि कुछ दिनों के लिए इन पोंगो जो है वो उनके गेस्ट रूम में रहेगा. His grave courteous manner immediately won over both my wife and my mother. तो इन पोंगो का जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज्यादा नम्र था, बहुत ही मिलनसार था. तो उसके इस बिहेवियर ने राइटर की वाइफ और राइटर की मदर का दिल जीत लिया था. एंड बिफोर लॉन्ग ही वाज लाइंग बैक ऑन द सोफा व्हाइल दे ऑफर्ड हिम डेलिकेसीज. डेलिकेसीज मींस स्पेशल फूड. और बहुत पहले वो सोफे पे लेटा हुआ था जब उन्होंने उसे स्पेशल फूड ऑफर किया था. हैविंग प्रीवियसली सपोर्ट बाय कीपिंग चमली द चिंपैंजी इन द हाउस आई न्यू फ्रॉम विट एक्सपीरियंस दैट There was nothing like an ape for turning a civilized room into something closely resembling a bomb site in a very short space of time. So I watched in Pongo like a hawk. Watched in Pongo like a hawk means watched in Pongo very closely. मतलब बहुत ही नजदीक से, बहुत ही ध्यान से देखना. Ape means बंदर की जात का जानवर. तो पहले ही एक चिंपैंजी को रखने की वजह से राइटर को ये बिटर एक्सपीरियंस हो चुका था कि एप की तरह ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो थोड़े से ही समय में एक सिविलाइज्ड रूम को एक बम विस्फोटक क्षेत्र में बदल सकती है. इसलिए उन्होंने इन पोंगो को बहुत ही क्लोजली, बहुत ही ध्यान से देखा. सो दैट्स ऑल. होप आपको यहाँ तक स्टोरी समझ में आ गई होगी. अगर आपको कभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. रेस्ट ऑफ द स्टोरी आई विल अपलोड इन माई नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन बाय.